बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आ जाएं, ठीक है। इसको आप जो है लाइक कर लें, ठीक है। ये हमारा सॉरी हमारा फेसबुक पेज जो है ये वाला यूनिक विजन अकेडमी वाला, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लाइक कर लेना ताकि जितने भी हमने न्यू ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, जो हमने न्यू पोस्ट किए हैं, वो आप तक पहुँच सकें, ठीक है। उसके बाद आप हमारा जो है ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन क्लिक करोगे तो हम यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे जो है ग्रुप की यूआरएल है, ठीक है, ये वाली। और ये हमारे फेसबुक पेज की यूआरएल है, facebook.uvpk.com, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, ताकि हम जितने भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें वो भी आप तक बआसानी पहुँच सकें। और ये हमारा ट्विटर पेज है, इसको भी आपने फॉलो कर लेना यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, अपने पोस्ट करते रहते हैं, जो भी न्यू लेक्चर होते हैं वो आप यहाँ से आके देख सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सारी इसकी जो है लिंक्स मिल जाएंगे। हमारे गूगल प्लस का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का मिल जाएगा, ट्विटर का मिल जाएगा, लिंकडिन और यूट्यूब का भी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे वैसे भी यूआरएल से आप जो है ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हम अर्डिनो को यूज़ करते हुए, एलईडी को यूज़ करते हुए, रजिस्टर को यूज़ करते हुए कैसे जो है ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये उसकी एक जो है सर्किट डायग्राम, उसकी जो है कनेक्शन आपने कैसे करने हैं, ये आपको शो किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करने हैं आपने, सबसे पहले हम उसके आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, सबसे पहले जो है इनिशियलाइज रेड वन, यानी कि रेड वन हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने क्रिएट किया, इज इक्वल टू टू। टू नंबर पिन के साथ हमने रेड वन एलईडी को कनेक्ट कर दिया। इस तरह हमने येलो वन को हमने तीन के साथ किया, थ्री के साथ, फोर के साथ हमने ग्रीन को किया, फाइव के साथ हमने रेड टू को, सिक्स के साथ येलो टू को, और ग्रीन को येलो सेवन के साथ। अब हम सेटअप में आ जाते हैं। हमने ये सारी जो पिन असाइन की हैं इनको हमने एज ए आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे हमने सबको पिन मोड एज ए आउटपुट असाइन कर दिया कि सारी की सारी पिन हमारे पास एज ए आउटपुट हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं वाइल्ड लूप में। वाइल्ड लूप में हमने क्या करना है, जो है डिजिटल राइट आर ई डी रेड वन, यानी कि रेड एल ई डी हाई ऑन होगी, इस तरह जो है ग्रीन एल ई डी भी ऑन होगी। उसी दौरान जो रेड एल ई डी वो लो होगी, यानी कि ऑफ होगी। इसके जो है 5000 मिली सेकेंड, यानी 5 सेकेंड का डिले होगा। फिर क्या होगा, 5 सेकेंड के डिले होने के बाद जो है येलो एल ई डी जो है ऑन हो जाएगी, ठीक है। येलो एलईडी जैसे ही ऑन होगी फिर 5000 मिली सेकेंड या 5 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद रेड एलईडी ऑफ होगी, फिर ग्रीन एलईडी ऑन होगी, और फिर ग्रीन और येलो ऑफ हो जाएंगी जिस पर हमने लो कर दिया, फिर रेड हाई यानी कि ऑन हो जाएगी। इस तरह येलो फिर हाई हो जाएगी 5 सेकेंड के बाद, फिर 5 सेकेंड के बाद येलो और ग्रीन जो है ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रोग्राम है, इसको हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं, उसकी हेक्स फाइल अपलोड करके देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है, ये वर्क करता भी है या नहीं करता। अब यहाँ पे जो हमारे पास हेक्स फाइल क्रिएट हो गई है वो CD5D है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोटीएस में, इसको हम ज़रा जूम में कर लें। ठीक है, तो ये हमने जो है हमारा ये सर्किट है, हमने जो जो पिन असाइन की थी उन्हीं पिन के साथ हमने एलईडीज को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उनका एक एक टर्मिनल जो है हमने उसको ग्राउंड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। यहाँ से हम क्लिक किया यहाँ पे, इसके बाद हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारा जो फोल्डर है टाटा का, में आ जाएँ। इसके बाद लोकल में आ जाएँ, टेम्परेरी में आ जाएँ। टेम्परेरी में आने के बाद हमारे पास ये फाइल क्रिएट हुई है, ये है इस फाइल, इसको हम अपलोड कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमने जो है अर्डिनो के अंदर जो अपना प्रोग्राम अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ से प्ले कर दो, यहाँ से जैसे ही प्ले करोगे तो देखें अभी जो है यहाँ नीचे से जो रेड एल ई डी आना है, ऊपर से जो है ग्रीन एल ई डी आना है। अभी 5 सेकेंड के बाद आप देखना
येलो एलईडी ऑन होगी, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद क्या होगा, नेक्स्ट एलईडी ऑन हो जाएगी रेड और बाकी दोनों ऑफ हो गई हैं, और जो नीचे से है वो ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है, ठीक है। इसी तरह 5 सेकंड के बाद येलो हुई, और इस तरह 5 सेकंड के बाद वो फिर रेड हो गई, ऊपर वाली जो एलईडी थ्री है D3 है वो ग्रीन हो जाएगी और D4 या नीचे से रेड हो जाएगी। तो इस तरह आप ट्रैफिक लाइट का भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो आर्डिनो को यूज़ करते हुए, ठीक है।